ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम कॉल मेंबर्स, मैं कामा मेमन बाउनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस स्पेशल वीलॉग के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि नए स्टॉक्स नई उड़ान की तरफ। जैसे कि पहले भी माजी में हमने काफ़ी सारे स्टॉक आपको दिए जिसमें स्टील था, जिसमें सीमेंट सेक्टर था, बहुत सारे स्टॉक थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। तो नए स्टॉक्स नई उड़ान में अगर हम देखें तो निशात मिल है। सबसे पहले निशात मिल का जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है 73.50 का लेवल ब्रेकआउट हुआ है, और निशात मिल जो है पहला टारगेट अचीव कर सकता है 77.75। दूसरा टारगेट होगा 80, तीसरा 84 और तीसरा 88 होगा। 73.50 स्टॉप लॉस रहेगा, और जब तक जब ये इससे ऊपर रहेगा ये अपने टारगेट्स अचीव करेगा, तो निशात मिल आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम है। पाकिस्तान पेट्रोलियम का जॉइंट वेंचर भी हुआ है, और रिसेंटली एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने एक ब्रेकआउट लेवल दिया 123 रुपये। दूसरा जो ब्रेकआउट बनता है 125.50 बनता है, जो कि रिस्टेंट भी और ब्रेकआउट भी बनता है। 125.50 के बाद पॉसिबिलिटी है कि 128, 132, 136 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। ये दोनों स्टॉक्स बेहतरीन मूव कर सकते हैं और आने वाले वीक के अंदर एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीलॉग के अंदर भी कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।